जैसा कि अब हम अनबॉक्स करने वाले हैं डिस्कवरी ऑप्टिक्स के 416x44 SFIR FFP स्कोप को, बहुत ही कमाल का स्कोप है। फिलहाल हम जो है ना इसकी अनबॉक्सिंग की जानब बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसके डिब्बे के ऊपर जो चीजें मेंशन है उनको देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो है ना इसका शॉक प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ चीजें जो है वो यहाँ पे मेंशन है। मैं पढ़ के बता तो सकता हूँ, बाकी अभी टाइम नहीं है तो मैं जल्दी से जल्दी इसको अनबॉक्स करने वाला हूँ। यहाँ पे जो इसका HT सीरीज का मतलब जो जाहिर सी बात है HT सीरीज की स्कोप है, तो HT का यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है इन्होंने। और अब जी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसकी मैग्निफिकेशन के बारे में, इसके मॉडल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्कवरी ऑप्टिक्स HT416x44 SFIR FFP। अब जो ये HT इसका सीरीज है, 4 से लेकर 16 तक इसकी मैग्निफिकेशन है, और 44 जो है वो इसकी मतलब डायामीटर है अगले लेंस का, ठीक है। फिर SF का मतलब है साइड फोकस, IR का मतलब है इल्यूमिनेटेड रेटिकल, नीचे FFP का मतलब है फर्स्ट फोकल प्लान, ठीक है। ये इसका रेक्टिकल है, और रेक्टिकल का बहुत मजा है। मजा इस लिहाज से कि अगर आप लॉन्ग रेंज में टर टेप खेलना पसंद नहीं करते और आप पसंद करते हो मिल डॉट्स के जरिए लॉन्ग रेंज में हिट लगाना, तो ये आपके लिए बहुत ही मजे का रेक्टिकल है स्कोप का, क्योंकि इसके अंदर नंबर्स मौजूद है। नंबर्स का ये फायदा होता है कि जिस रेंज के ऊपर आपका जोन सा मिल डॉट होता है वो ढूंढने में आपको बहुत ज्यादा आसानी रहती है। आपको पता है कि 2 पे ये या 4 पे ये वाला मिल डॉट 70 पे काम कर रहा है, 5 वाला जो है वो 90 पे काम कर रहा है, तो आप सीधा सा 5 के ऊपर रख के जो है ना परिंदे को हिट करते हो और आपका परिंदा नीचे आ जाता है, ठीक है, या जो भी आपका टारगेट है, ठीक है। अब उसके बाद जनाब जी यहाँ पर हम इसकी जो है वो अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे इसका क्या मतलब जो है वो अंदर सामान मौजूद है जो कि इसके साथ आता है। अभी हम इसकी जो है वो यहाँ से अनबॉक्सिंग करते हैं। कुछ ऐसे ये डिब्बा ओपन होता है। डिब्बा ओपन होने के बाद सबसे पहले इसके अंदर स्पेसिफिकेशन कार्ड देखने को हमें मिल जाती है जी। इसकी पैकिंग जो है वो उसमें हमें एक माउंट देखने को मिल जाता है, माउंट्स का पेयर देखने को मिल जाता है। तो अब हम देखेंगे वो क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, माउंट्स कौन से हैं इसके अंदर। सॉरी, इसके अंदर जो माउंट्स हैं जी जनाब, वो पिकेटिनी वीवर रेल के माउंट्स हैं, जो कि 22 mm की पिकेटिनी वीवर रेल के लिए बनाए गए हैं, ठीक है जी। और ये लो हाइट वाले माउंट है, साथ में आपको एक एलन की देखने को भी मिल जाती है। अभी जी हम इसको जो है बंद करके साइड पे कर देते हैं। उसके बाद जी इसको भी हम जो है वो साइड पे फिलहाल कर देते हैं। इसके बाद जी अगर हम बात करें तो नीचे जो है हमें कुछ और भी चीजें देखने को मिल जाती हैं, जिसमें सबसे पहले एक साइड व्हील है। साइड व्हील को जो है जनाब जी मैं पेपर में से निकाल के आपको जो है वो दिखाता हूँ। ये इसका साइड व्हील है। साइड व्हील आपके साइड फोकस को जो है वो कम एफर्ट लगा के जो है मूव करने में मदद करता है। इसके बाद यहाँ पर हमें इसका जो है वो डस्ट क्लीनर क्लॉथ देखने को मिल जाता है, जो कि इसके ही साथ जो है आपको अपनी एयरगन के ग्लासेस जो है वो साफ करने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो है इंस्ट्रक्शन बुक है, जिसके अंदर इसकी जो है वो चीजें वगैरह मेंशन है। आप इसको चाहे तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इसकी जो है इंस्ट्रक्शन बुक है, सॉरी। इसके बाद जी हमारा यहाँ पर जो है वो स्कोप निकल के आ जाता है। स्कोप को हम देख लेते हैं। ये जी हमारा स्कोप है, और इसके डिब्बे को हम जो है वो भाई साइड पे करेंगे इस वक्त, ठीक है। ये जी हमारा स्कोप इस तरह कुछ निकल के आ जाता है। अब हम इसके शॉपर को हटाते हैं, सॉरी, यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद जनाब यहाँ पर आप देख सकते हो स्कोप कुछ इस तरह पैक होता है। और उसके अलावा यहाँ पर इसका सन शेड मेंशन किया गया है, यहाँ आप देख सकते हो, ये इसका सन शेड है, ये इसका साइड व्हील है, ठीक है। इसके बाद जनाब जी हम इसकी यहाँ से जो है वो अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह कुछ ये अनबॉक्स होती है। और यहाँ पर जी इसका सिलिका जेल का पैकेट एक मिलता है। यहाँ पर लिखा है थ्रो अवे डू नॉट ईट, ये खाने के लिए नहीं है, फेंकने के लिए, तो आप इसको इसे कहीं दूर फेंक दें अपने से, ठीक है। और यहाँ पर जी हम अपनी स्कोप को रखते हैं। ये जी हमारी इस वक्त यहाँ पे स्कोप निकल के आ चुकी है, HT416x44 SFIR FFP, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके आयर लीफ की जानब से जो है वो शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पे जी इसका आयर लीफ है। लेफ्ट को मूव करें तो जनाब जी प्लस पे मतलब प्लस पे आती है, और राइट को मूव करें जनाब जी तो माइनस पे जाती है। यहाँ पर जी इसको हम मूव करेंगे तो काफी एफर्ट लगानी पड़ती है इसको मूव करने के लिए, इतना आसान नहीं है इसको मूव करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये इस तरह जो है कुछ काम करता है। और इसके पिछले वाले लेंस के पीछे जनाब जी आपको एक लेंस कवर देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। फ्लिपोन कवर नहीं है, लेंस कवर है, तो बड़ा मजे का है ये भी, ठीक है। ये आप अपनी जेब वगैरह में डाल लो उतार के बड़े आसानी से, ठीक है। इतना बड़ा नहीं, इतना इसका रोला नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका मॉडल मेंशन है HT416x44 SFIR, और यहाँ पर इसकी जो है मैग्निफिकेशन रिंग है।
जूम जो इसका है वो जनाब जी 4 से लेकर मिनिमम 4 और मैक्सिमम 16 है। और यहाँ पर हम इसकी जो है वो रिंग को मूव करके देखते हैं मैग्निफिकेशन की, तो इससे भी काफ़ी एफर्ट लगानी पड़ती है आपको मूव करने के लिए। ठीक है, तो ये याद रहे कि एक फर्स्ट फोकल प्लान स्कोप है जनाब। ठीक है, और यहाँ पर इसकी लेवलिंग पोजीशन है, और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका इल्यूमिनेटर रेटिकल करने के लिए जनाब जी रेड एंड ग्रीन जो आपका रेटिकल मतलब लाइट चलती है जिसके अंदर, वो लगाने के लिए यहाँ पर सेल डालना पड़ता है। और इसको जो है वो इस रिंग को घुमा के आप अपनी वो जो है ना वो चीज़ें देख सकते हो। तो अभी मैं आपको वो दिखाता भी हूँ, क्योंकि देख सकते हो कि इसका जो रेटिकल है ना, मैं जूम कर रहा हूँ इसको, ये सिर्फ इतना ही जो है वो मतलब इल्यूमिनेटेड होता है, रेड होता है, रेड के अलावा कोई कलर भी नहीं इसमें आता, और सिर्फ ये इतने का इतना ही जो है वो रेड होता है। तो ये इसका रेक्टिकल है। ठीक है, अंदर से बात करें इसके टर्ट्स की, इसका जो अप डाउन वाला टर्ट है वो लॉक डाउन वाले टर्ट्स के साथ इसके टर्ट्स आ रहे हैं। सबसे पहले बता दूं 1 क्लिक बाय 4 MOA। ठीक है, तो ये अप डाउन वाला इसका टर्ट है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बहुत ही मजे का जो है वो इसका साउंड है, बहुत कोई स्लिपरी इसका टर्ट नहीं है, बहुत अच्छे से ये जो है वो इस चीज को भी मैनेज कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये इसका जो है वो लेफ्ट राइट वाला टर्ट है, यहाँ पर इसकी आप आवाज सुन सकते हो। इसका जो ट्यूब साइज है वो 30 mm इसका ट्यूब साइज है। और मुझे इसके अंदर एक चीज जो है वो अच्छी नहीं लगी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप जो है ना अपना एक ही माउंट जो है वो लगा सकते हो, जो कि आपका यहाँ तो लग सकता है साइड शॉट माउंट, यहाँ लग सकता है आपका स्कोप का माउंट। ठीक है, तो यहाँ पर इतना सा ही स्पेस है जिसमें सिर्फ एक माउंट लग सकता है, दूसरा माउंट नहीं लग सकता। तो यहाँ पर जो साइड शॉट लगाकर रिकॉर्डिंग वगैरह करना चाहते हैं तो उनके लिए दिक्कत पेश आ सकती है, उनको दिक्कत पेश आ सकती है इस चीज में कि उनको ये ऑप्शन इसमें नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सर जी यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका जो है वो साइड फोकस है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि तकरीबन 10 से लेके 500 तक आप इसको फोकस कर सकते हो और आगे इन्फिनिटी है। ठीक है, और अब यहाँ पर हम इसका जो है वो साइड फोकस व्हील जो है वो एडजस्ट करते हैं, जिसकी मदद से हमें जो है ना कम एफर्ट लगानी पड़ती है अपनी स्कोप को मूव करने के लिए। ठीक है, और साइड फोकस को मूव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है इसके ऊपर, और कुछ इस तरह की स्कोप की यहाँ पर लुक बन जाती है। फ्रंट वाला जो डाया है जो कि 44 mm का है, जिसके ऊपर हमें एक फ्लिप ऑन कवर देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप अपने कवर को ऐसे मतलब टच करते हो तो वो फ्लिप होके ऑन होता है, जो कि बहुत मजे की चीज है। यहां से इसको मैं रिमूव करके आपको सन शेड इसके ऊपर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम अपना सन शेड इंस्टॉल करेंगे इसके ऊपर, तो कुछ ऐसी जो है वो हमारी स्कोप बन के सामने आ जाती है, और ये इस तरह की कुछ इसकी लुक होती है। और मजे की बात ये है कि ये जो स्कोप है पीसी पीस के लिए एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। अगर आप वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग करना चाहते हो ना साइड शॉट के थ्रू, तो वो आपको मजा इसमें नहीं आने वाला है। अभी मैं इसका जो है ना आपको वो दिखाता हूँ ओवरऑल व्यू अंदर का कि ये कैसी स्कोप है। तो बाकी इसका जो वजन है जी जनाब वो तकरीबन 601 ग्राम है, लेंथ इसकी जो है जनाब जी वो तकरीबन 13.3 इंच है, और इसके अलावा इसका जो क्लिक वैल्यू है वो 1/4 MOA है। इसके अलावा इसकी मैग्निफिकेशन 4 से लेकर 16 तक है, और इसके अलावा इसका जो आई रिलीफ है वो 3 इंच से लेकर 3.5 इंच तक है। 44 mm इसका डायामीटर है, ट्यूब साइज जो है इसका वो 30 mm है, और इसके अलावा साइड फोकस स्कोप है, इल्यूमिनेटर रेटिकल के साथ आती है, और इसके अलावा लॉग डाउन टर्ट्स के साथ आती है, और इसका जो अंदर का रेक्टिकल है वो बहुत ही मजे का है। तो ये अगर आप स्कोप परचेज करना चाहते हो तो हमसे रابطہ करके आप परचेज कर सकते हो। तो अभी मैं आगे जो ये क्लिप थोड़ा सा ऐड करने वाला हूँ वो इसके रेक्टिकल के मुतल्लिक है, तो आपने जो है वो इसको लाजमी वहां पे देखना है कि कैसा इसका अंदर का व्यू। मैं आपको मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर इसका रेक्टिकल दिखाऊंगा कि 4 पे जूम पे कैसा है, 8 पे कैसा है, 12 पे कैसा है, 16 पे कैसा है, तो आपने वीडियो के साथ लाजमी बने रहना है। ठीक है, ये जी HT416x44 गन पे लगाने के बाद कुछ इसका इस तरह का लुक जो है वो हमारे सामने बन के आ जाता है। P10 ऑलरेडी एक वजनी गन है, और इसके ऊपर जब ये स्कोप लग गई है HT416x44 तो इसका वजन मजीद बढ़ गया है, और तकरीबन काफ़ी वेट वाली गन फील हो रही है। मैंने इस चीज़ इस स्कोप में जो चीज़ें गौर की हैं वो सबसे पहले ये है कि यहाँ पर आप सिर्फ एक माउंट जो है वो ही लगा सकते हो, या वो स्कोप का या वो आप लगा सकते हो सर जी अपनी स्कोप का सॉरी साइड शॉट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ एक माउंट इंस्टॉल किया, सेकंड मैंने अपना साइड शॉट का किया, 8 पे मैंने जूम रखा है,
ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप इसकी लुक चेक कर सकते हो, फिलहाल ये ऐसी कुछ लुक में हमारे पास मौजूद है। और कैरी करने में इतना फील नहीं होता अगर आप P15 P35 जैसी एयरगन के ऊपर इसको फिट करते हो। बाकी वजह से आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो माफ़ करना चाहता हूँ। अब हम मज़ीद इसको जो है ना वो टारगेट्स के ऊपर रख के देखते हैं कि हमें टारगेट्स इसमें से जो है वो कैसे नज़र आते हैं। ओपो वगैरह देखते हैं, मज़ीद वो एक टारगेट लगाया उसको देखते हैं। एक और इसी स्कोप की जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है, और बहुत आउट क्लास क्लियर क्रिस्टल क्लियर स्कोप है। सिर्फ इसमें ये है कि ये उन्होंने जो लेवलिंग पोजीशन वाला चीज़ है यहाँ पर ऐड करके साइड शॉट के माउंट की जगह जो है वो छीन ली है, ठीक है। बाकी मैं ये कहूँगा डिस्कवरी वालों को कोई ये इसको जो है फिक्स करें। बाकी आगे मैंने सन शेड लगाई है, फ्लिप ऑन कवर लगाया है, पीछे वाला कवर जो है वो मेरी जेब में है। बाकी साइड व्हील देख सकते हो, इसकी भी मूवमेंट आप चेक कर सकते हो, बड़ा स्मूथ कर देता है इसको जो है वो मूव करने में, ठीक है। बाकी ये थी जी ST 416x44 SFIR FFP। तो अभी हम इसका रेटिकल देख रहे हैं, ये कव्वा है तकरीबन 70 यार्ड के फासले पे, और ये इसकी कुछ ऐसी क्लियरिटी और कैमरा अच्छे से फोकस नहीं हो पाया मुझसे। और मज़ीद 200 यार्ड पे जाके देखेंगे, ये 200 यार्ड रेंज है, ये तूड़ी वाली दाड़ा में से बोलते हैं, ये देखें कितनी क्लियर नज़र आ रही है 200 यार्ड पे। फिर ये 70-80 यार्ड पे कव्वा है, ये भी आप देखें कितना शानदार और क्लियर आ रहा है व्यू इसका। और ये फोर्थ हमारा जो टारगेट था ये मैंने उसको दिखाया, इसमें मतलब ये था कि आपको रेक्टिकल दिखाना था इसका कैसा है, तो ये रेक्टिकल है इसका।